आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं रचना बंसल। सीमा हैदर को लेकर देश में चर्चा बहुत जोरों से है। सीमा हैदर जो प्यार परवान चढ़ा और पाकिस्तान की सीमाएं लांघ कर पहुंच गए हिंदुस्तान में, सचिन के प्यार में डूबे होने की बात कहने लगी, अकेली नहीं आई, चार बच्चों को साथ ले आई। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस, कई ऐसे रील्स आपको दिख जाएंगे, इंस्टा रील्स, जिसमें सीमा हैदर खुद को किसी हीरोइन से कम नहीं समझ रही। वो कह रहे हैं जो गदर की सकीना है यानी कि सक्कू, वो मैं ही हूँ, वो मेरी ही स्टोरी है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो सीमा हैदर के कई वीडियोस आपको दिखेंगे जिसमें वो पाकिस्तान से चलते हुए ये बताती हैं कि ये यहाँ मेरा आखिरी वीडियो है, अब मैं जा रही हूँ अपने प्यार से मिलने के लिए। यानी कि वो पाकिस्तान का वीडियो है, उसमें पाकिस्तान का झंडा भी नजर आता है। सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल गई, नेपाल के रास्ते वो हिंदुस्तान आ गई, वहाँ सचिन मिलता है सचिन के साथ, फिर वो सचिन के ग्रेटर नोएडा के गाँव रघुपुरा पहुँच जाती हैं, दो महीने तक रहती हैं। सचिन पहले से ही वहाँ किराए का कमरा लिए रहता है, लेकिन सीमा के पास से कुछ ऐसा सामान मिला है जो सस्पिशियस लग रहा है। हालांकि यूपीएटीएस की टीम ने लंबी पूछताछ की है, अलग अलग दौर की बातचीत की है, अलग अलग राउंड की पूछताछ में अब यूपीएटीएस की टीम कह रही है ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तानी जासूस है। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजा जा सकता है, लेकिन सीमा हैदर कह रही है कि पाकिस्तान भेजने से बेहतर है मुझे यहाँ की जेल में डाल दो या फिर मुझे यहीं पर मरने दो, क्योंकि अगर पाकिस्तान जाऊंगी तो मुझे वहां कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। लेकिन सीमा हैदर के पास से दो वीडियो कैसेट मिले हैं, पांच पासपोर्ट मिले हैं, जिसमें एक पासपोर्ट तो अधूरा है, जिसमें नाम और बाकी डिटेल्स अधूरी भरी गई है। क्या उसका मिसयूज हो सकता था? क्या जो दावे अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं कि सीमा हैदर देश के लिए नुकसान हो सकती है, देश को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही पाकिस्तान से आई है, क्या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? यूपीएटीएस की टीम घंटों तक पूछताछ कर चुकी है, लेकिन वो कह रही है अभी भी जांच पूरी नहीं हुई है। इन सब के बीच में एक बार और पूछताछ हो सकती है, कुछ और सबूत खंगाले जा सकते हैं। साथ ही हर उस एंगल पर भी पुलिस पहुंचेगी, क्योंकि सीमा ने जो कुछ बताया वो कम्प्लीटली सच नहीं निकला है। सीमा हैदर ने कहा था कि नेपाल में एक मंदिर में हमने शादी कर ली थी और शादी अब कोर्ट में भी करेंगे, जबकि ये बात गलत निकली है। नेपाल में जब सीमा हैदर और सचिन घूमने के लिए गए थे, वहाँ पर एक होटल लिया गया था, होटल के रूम में ही सिंदूर लगाया गया था, जिसका वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, और अब सीमा हैदर उसी को शादी कह रही है, जबकि इस तरह की शादी की कोई मान्यता है नहीं। अगर आप हिंदू धर्म अपनाते हैं, हिंदू धर्म से शादी करते हैं, तो आपको रीति रिवाजों का पालन करना होगा, जो कि सीमा हैदर ने नहीं किया है। और अगर कानूनी तौर पर मान्यता आप माने तो फिर कोर्ट में आपकी शादी रजिस्टर होनी चाहिए, जो कि सीमा हैदर की नहीं है। अब इन सब के बीच क्या सीमा सचिन के प्यार में इधर कदम बढ़ा पाती है, यानी कि क्या सचिन से कोर्ट मैरिज कर पाती है, या फिर उधर क्या उसे पाकिस्तान का रास्ता दिखा दिया जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। चर्चा गर्म है सीमा हैदर को लेकर, लगातार डिटेल्स सामने आ रही हैं, हर एक अपडेट आगे इसी प्लेटफॉर्म पर आप देख पाएंगे।